हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है और मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मनोविकार तज्ञ, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, बिजनेस कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिप्नोटिज्म के बारे में लोगों की गलत फहमियाँ क्या क्या है। लोगों को काफी सारी गलत फहमियाँ हिप्नोटिज्म के बारे में है। वो यह है कि जैसा कोई भी किसी को हम हिप्नोटाइज कर सकते हैं उसके मर्जी के खिलाफ, तो ऐसा होता नहीं है। हिप्नोटिज्म करने के लिए उसकी मर्जी होना बहुत जरूरी है, उसका यस होना बहुत जरूरी है, उसने हाँ बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका कोऑपरेशन ही नहीं रहा तो वो हिप्नोटाइज होता नहीं है। हिप्नोटिज्म से ऐसा बोला जाता है कि हिप्नोटिज्म से कोई भी स्त्री को वश किया जाता है, उसके गले का मंगलसूत्र निकाला जा सकता है, या कोई किसी के मतलब किसी का चेक लिख के या कोई किसी के पैसे निकाले जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी होता नहीं। लोग क्या है कि लोग उसमें मतलब कोई भी व्यक्ति उनको बना देता है, चीट करता है, और उसके बाद में फिर मेरा चीटिंग हुआ ऐसा बोलना अच्छा लगता नहीं है। फिर क्या बोलते लोग, नहीं नहीं मेरे को हिप्नोटाइज किया, मेरे को मालूम नहीं पड़ा क्या है। तो एक्चुअली हिप्नोटिज्म में होता नहीं, उसने चीटिंग किया हुआ है। आप लालच में आके उसको हाँ बोला कि ठीक है भाई, ये 10 ग्राम का सोना ले लो और ये मैं आपको चका के देता हूँ और ये 10 ग्राम का 20 ग्राम तैयार हो जाएगा, या मैं आपको 1000 रुपए देता हूँ आप ऐसे रखो कि 1000 के 2000 रुपए हो जाएंगे। हम लालची है, लोग लालची है और उसमें फिर फंस जाते हैं। उसके बाद में फिर लोग हिप्नोटिज्म को दोष देते हैं। मंद बुद्धि के लोग हिप्नोटाइज नहीं होते। जिनका दिमाग ठीक नहीं है, मतलब कम बुद्धि है, बुद्धियांक कम है, IQ कम है, वो हिप्नोटाइज नहीं होते। मगर बच्चे जल्दी हिप्नोटाइज हो जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग बहुत ही कच्चा रहता है। जो लोगों को ऑर्डर्स लेने की हैबिट रहती है, आदत रहती है ऑर्डर्स, जैसा नर्सेस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, मिलिट्री है, छोटे बच्चे है, तो वो लोग जल्दी हिप्नोटाइज हो जाते हैं या हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी को ऐसे हिप्नोटिक ट्रांस में जाके छोड़ के चले गया और वो व्यक्ति बेहोश हो गया, ऐसा कभी होता नहीं कि मैंने किसको हिप्नोटाइज किया उसको वैसे ही रखा में चले गया, ऐसा होता नहीं है। मैंने उसको हिप्नोटाइज किया, उसके कुछ समय बाद में यदि मेरी ऑर्डर्स बंद हो गई तो व्यक्ति धीरे 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 सो जाएगा या धीरे 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 जग जाएगा और उसको पूरा याद आ जाएगा। तो हमको ये देखना है कि भाई हिप्नोटिज्म में कोई किसी को ऐसा सुला के रख सकता नहीं, या अभी तक ऐसा कभी मालूम नहीं हुआ कि हिप्नोटिज्म में आदमी बेहोश हो गया या हिप्नोटिज्म में आदमी मर गया, ऐसा कभी हुआ नहीं है। हिप्नोटिज्म में लोग अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन संभव है, पिछले लाइफ में हम जा सकते हैं और पिछले लाइफ में जाके वहां से कुछ जानकारी आप खुद के बारे में हम मतलब जान सकते हैं। जो गलत फहमी है वो ये निकाल दिया। तो हिप्नोटिज्म एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है। मैंने किसको हिप्नोटाइज करना उसको बोलते हैं हेट्रो हिप्नोटिज्म, और खुद ने खुद को करना उसको बोलते हैं सेल्फ हिप्नोटिज्म। तो आप यदि सीखते हैं सेल्फ हिप्नोटिज्म, खुद ने खुद को सम्मोहित करना, तो एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है सेल्फ डेवलपमेंट का। जो भी अपना सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी जाके बैठा हुआ है, तो हिप्नोटिज्म में बार 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 हैमरिंग करके वो जो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठी हुई है वो निकाल सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत ही एनालिटिकल है, बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करता है, वो व्यक्ति सम्मोहित नहीं होता। जो व्यक्ति जैसे सूचना दिया वैसे स्वीकारता नहीं है, वो व्यक्ति भी सम्मोहित नहीं हो सकता। मतलब पूरा 100% गारंटीड सामने वाले का यदि कोऑपरेशन रहा तो ही व्यक्ति सम्मोहित हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि आपने कोई भी सम्मोहन के बारे में कुछ भी ऐसी गलत फहमियां न रखते हुए सेल्फ हिप्नोसिस सीखना चाहिए। हमारे काफी सारी वर्कशॉप होती है सेल्फ हिप्नोटिज्म के बारे में, वर्कशॉप अटेंड करो। नागपुर पुणे बॉम्बे में वर्कशॉप होती रहती है, वो अटेंड करो, या अकोला में हरदम चालू रहती है, और आप खुद का डेवलपमेंट करो। सक्सेस फॉर्मूला आपको सम्मोहन से माध्यम हो सकती है कि कौन से सक्सेस फॉर्मूला अपने दिमाग में है और कौन से ला सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। एटीट्यूडनल चेंजेस हो सकते हैं, एटीट्यूड सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ऐसा मैंने कहा कि सक्सेस फॉर्मूला दिमाग में जाके बैठ गए सबकॉन्शियस माइंड में, वहां से ऑटोमेटिकली हैबिटुअली आप वो काम करेंगे। तो प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड, एटीट्यूडनल चेंजेस, ये सब मतलब सबकॉन्शियस माइंड को पूरा ट्रांसफॉर्म करना,
पूरा उसको एक नया बनाना, वो हिप्नोटिज्म में पॉसिबल है। वही काम एनएलपी में होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में। तो आप हमारा कोई भी वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, लाइक करो, फेसबुक पेज को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।